स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं मैं रोज आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज, नए नए मशीन की आपको जानकारी देती हूँ। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एएसबी इंजीनियरिंग कंपनी में और देने जा रही हूँ आपको एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया को करके आप अच्छा खासा अर्निंग करने वाले हैं। मशीन इतनी छोटी होने वाली है कि आपने घर के रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो होने वाला है दोस्तों, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। हर कोई खाना इस प्रोडक्ट को पसंद करता है और डिमांडिंग प्रोडक्ट आपका ये होने वाला है दोस्त। कौन सी मशीन होने वाली है, कौन सा बिजनेस आइडिया ये होने वाला है, इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे वीडियो के अंत तक। जानते हैं मैम से कि वो आज हमें कौन सा बिजनेस आइडिया बताने वाली है, कौन सा मशीन के बारे में वो आज हमें बताने वाली है जिससे अच्छा खासा आप घर बैठे लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? सीमा नाम है। ओके, तो मैम आज हमारे व्यूअर्स को कौन सा बिजनेस आइडिया देने वाली है? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको हम देखते तो हैं लेकिन हमने कभी ये नोटिस नहीं करी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ, तो वो आपकी मशीन है पाउच पैकिंग मशीन। मैम तो पाउच पैकिंग मशीन के बारे में दोस्तों मैम आपको बताने जा रही होंगी। बेसिकली आपने बहुत ज्यादा मार्केट में देखे होंगे, खाया भी होगा वो वाला प्रोडक्ट कि आपने देखे होंगे जैसे नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, हल्दी वगैरह जितने भी पाउचेस होते हैं आपने देखे होंगे, आपने यूज उनको किया होगा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि किस तरह से उनकी पैकिंग होती है, किस तरह से उनकी मशीन होती है। तो मैम आज आपको बताने जा रही है पाउच पैकिंग मशीन के बारे में। तो मैम मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। जी मैम, इसमें अगर हम पाउच पैकिंग की मशीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सभी तरह की मशीनें मिल जाती हैं। नॉर्मली जैसे आपने अभी बिजनेस स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, अगर आपको हैंड सीलर चाहिए तो वो छोटा सा होता है, वो आपको मान के चलिए 1000 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास। बाकी क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लड़ी सिस्टम चाहिए या उसको मैनुअल सिस्टम चाहिए। तो हमारे पास सारी ही मशीनें उपलब्ध हैं, क्योंकि कहीं आप सोच रहे हो कि मैडम सिर्फ बड़े लोगों के लिए ये चीज़ बता रही हैं जो ऑटोमेटिक मशीन जो लाखों में जिसकी काउंटिंग होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने हैंड सेलर बताया तो वो आपका नॉर्मली स्टार्ट होता है 1000 रुपये से, वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपका हमारा आता है बैंड सेलिंग, ये देखिए ये हमारा बैंड सेलर होता है, ये आपको चाहिए ये भी मिल जाएगा। या अब आ जाती हैं सारी हमारी ऑटोमेटिक मशीनें, जैसे कि कोई कुरकुरे पैक कर रहा है, नमकीन पैक कर रहा है, तो उसके लिए लड़ी सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो चीज़ उनको पसंद आती है, जो उनको दिखती है, वही चीज़ जो है ज़्यादा बिकती भी है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मशीन होती है, एक हमारी सबसे पहली मशीन आ जाती है FFS मॉडल। तो वो क्लाइंट को कितनी क्वांटिटी तक चाहिए, उसको 1 ग्राम से 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम से 50 चाहिए, या 50 ग्राम से उसको 100 ग्राम चाहिए, तो हमारी ये वाली मशीन होती है। इसमें बैक साइड में कप फिलिंग सिस्टम रहता है, जैसा आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 3 तरह की मशीनें होती हैं, FFS, न्यूमेटिक एंड आपकी वेट फुलर। तो जो मैंने आपको पहले बताया है वो आपकी FFS मशीन है। ओके, तो मैम इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट हम पैक कर सकते हैं? इसमें ये स्पेशली आपके मसालों के लिए होती है, आपको इसमें खड़े मसाले पैक करने हैं तो खड़े मसाले पैक कर सकते हैं, आपको पाउडर फॉर्म में मसाले पैक करने हैं तो पाउडर फॉर्म में पैक कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन वो कितना होने वाला है? प्रोडक्शन देखिए आपको जो है 1 मिनट में 20 से 25 पाउच रेडी करके देगा। ओके, तो देखिए दोस्तों कि जैसे कि मैम ने बताया है पाउच पैकिंग मशीन जो कि FFS मशीन है, इस बेसिकली स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस इसमें पैक कर सकते हैं। खड़े मसाले अगर आपको पैक करने हैं तो खड़े मसाले इसमें पैक कर सकते हैं, पिसे हुए मसाले अगर आपको पैक करने तो वो भी आप इजली से इसमें पैक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि मैम हमको कौन सी मशीन के बारे में बताने वाले हैं। जी अब आ जाती है, जैसे कि आपको जो है न्यूमेटिक का मतलब होता है जो मशीनें कंप्रेसर के थ्रू चलती हैं। जैसे कि आप ये देखिए ये पैकेट हमारे फुले फुले हैं, इस टाइम आपको जो देख रहे हैं ये पॉपकॉर्न का पैकेट है। तो पॉपकॉर्न, चिप्स और जो हमारा नमकीन होता है उसमें आपका कंप्रेसर नाइट्रोजन का यूज होना कंपल्सरी है, अदरवाइज आपका जो है जो आपका फूड है वो सिक्योर नहीं रहता, सिल जाता है। कि लाइफ को बढ़ाने के लिए हम जो है इस मशीनरी का यूज करते हैं कंप्रेसर नाइट्रोजन का, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मशीनरी जो है न्यूमेटिक है, इसमें आप जो है 10 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक की क्वांटिटी पैक कर सकते हैं। तो इसमें पॉपकॉर्न के अलावा जैसे कि बाकी के मटेरियल्स होते हैं मार्केट में देखे, कुरकुरे, नमकीन, चिप्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट इसमें पैक हो जाते हैं। हाँ जी मैम, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आप सब कुछ पैक कर सकते हैं। जानते हैं मैम से कि अगली मशीन कौन सी होने वाली है? देखिए अभी तक मैंने आपको बताया FFS और सेकंड बताया आपको न्यूमेटिक, उसके बाद हमारा जो रहता है वेट फिलर मशीनरी रहता है। वेट फिलर में आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्यूरेसी टाइप करनी है कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इसमें आपको जितनी क्वांटिटी पैक करनी है इसमें आप टाइप कीजिएगा, उतना ही आपको जो है वो पैक करके देगी।
इसमें कोई कप का झंझट नहीं रहता है, आपको जो है जितना टाइप करेंगे ऑटोमेटिक आपको उतना पैक हो जाएगा। ये जो मशीन है ये 1 ग्राम से 100 ग्राम तक की मशीन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा है, अगर आपको 1 kg तक का करना है तो फिर हमारी ये वाली मशीन होती है, ठीक है। ये फुली ऑटोमेटिक वेट फिलर मशीन है जिसमें आपको मेहनत कम और प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा रहता है, आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाता है और आपको ज्यादा लेबर की जरूरत भी नहीं रहती है। सिर्फ मटेरियल डालो, टाइप करो और ऑटोमेटिक आपका जो है लड़ी सिस्टम चाहिए लड़ी सिस्टम हो जाएगा, बाय 1-1 करके कट चाहिए तो वो आपको इंजीनियर हमारा प्रॉपरली ट्रेनिंग देगा। ओके, तो मैम इसमें किस तरह का प्रोडक्ट हम पैक कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि इसमें अगर आपको कंप्रेसर वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको उसके विदाउट चलानी है तो वो भी चला सकते हैं। ओके, मतलब कि पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं और ग्रैनुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, हर तरह का प्रोडक्ट, स्पाइसेस अगर पैक करने हैं, कुरकुरे नमकीन वगैरह पैक करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैम, ईच एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों एक ही मशीन में आप हर तरह का प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं, बस आपको इसमें मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस मशीन को लेते हैं, अगर आपको कुरकुरे नमकीन चिप्स और स्पाइसीज हो गए सारा, अगर कुछ भी मटेरियल अगर आपको पैक करना है तो सिर्फ एक मशीन से होने वाला है। अब बात आती है मैम इनकी पावर कंजप्शन की, मशीनें तो आपने बता दी लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसका पावर कंजप्शन क्या रहने वाला है। इसका पावर कंजप्शन ज्यादा नहीं है कि आपको लगे कि जैसे मैम ने बताया है कि 1 kg की मशीन है तो इसका पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा होगा, या जो मैम ने ये बताई है तो इसके बारे में मैंने जो बताया है वो ज्यादा रहेगा। सारी ही मशीनें आपकी जो है सिंगल फेज पे काम करेंगी, आपको इसके लिए कोई 3 फेज का कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल फेज पे ये मशीनें काम करती हैं। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मैम ने बताया कि सिंगल फेज में चलने वाली मशीनें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैम आगे जैसे कि हमारे इसमें पाउचेस लगे हुए हैं तो इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो कहाँ से आप प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए अगर क्लाइंट को हमसे रॉ मटेरियल चाहिए तो हमसे भी मिल जाएगा, अदरवाइज अगर उसको अपने नाम से ब्रांडिंग करवानी है जैसे कि आपने देखा होगा हल्दीराम है, आपको अपने नाम से ब्रांडिंग करवा के रोल प्रिंट करवा के उसमें सेटिंग करनी है, या जैसे भी आपको लोकल्स लेने हैं तो वो हम भी प्रोवाइड करवाते हैं। अदरवाइज आप जहाँ से भी हैं, जिस स्टेट से भी कोई क्लाइंट है जैसे लाइक यूपी बिहार पंजाब, तो हम उनको इनके नियर बाय भी डीलर्स के नंबर्स दे देते हैं जहाँ से वो जो है अपना मटेरियल ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि कंपनी आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है, आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करवा के देगी, आपका ब्रांड रजिस्टर करवा के देने वाली है। और अब बात आती है मैम, चलो मशीन आपने ले ली, रॉ मटेरियल आप लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया, अब इससे रिलेटेड जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं कि कोई भी क्लाइंट मशीन लगाता है तो आस पड़ोस में जाके लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि बहुत आवाज हो रही है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो इसके लिए अगर कभी क्लाइंट को इन फ्यूचर में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो आपकी कंपनी लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाती है? जी, हम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम, जैसे कि आपने मशीनरी स्टार्ट कर रही है तो उसके लिए हम आपको लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, एक लघु उद्योग का MOSME का आपने सुना होगा, वो भी हम आपको रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देते हैं, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई चार्ज पे नहीं करना, अदरवाइज आपको GST वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो भी हम आपको करवा के देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आपकी कंपनी हर तरह से अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करती है। तो जैसे कि दोस्तों आपको लघु उद्योग से रिलेटेड आपको लाइसेंस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। बात आती है इंस्टॉलेशन की, अगर किस तरह से अगर क्लाइंट मशीन लेके भी जाएगा तो इसको कैसे कैसे वो यूज करेगा, किस तरह से इसमें प्रोडक्शन करने वाला है? जी, अगर जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, मशीनें देखते हैं, पसंद आती है और आप लेके जाते हैं, मशीन पहुँचने के बाद इंजीनियर जाता है, प्रॉपरली ट्रेनिंग देता है कैसे मशीन का रोल सेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से आपकी मशीन पार्ट्स में जाती है तो वो आपका पूरा इंस्टॉल करके मशीनरी स्टार्टअप करके, लड़ी सिस्टम चाहिए तो लड़ी सिस्टम कैसे होती है वो बताएगा, बाय 1-1 करके कटिंग चाहिए वो कैसे होगी वो बताएगा, प्रॉपरली ट्रेनिंग देके। इंस्टॉलेशन होने वाली है मैम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या आप चार्जेस लेते हैं? जी मैम, इसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपका जो है आने जाने का कन्वेंस होता है, आप कहेंगे ट्रेन से आ जाएगा, आप कहेंगे बस से आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमने बोल दिया कि नहीं इतना आप करवा दीजिए, इस तरीके से नहीं रहेगा, ओनली कन्वेंस चार्ज पे करना। बाकी इंस्टॉलेशन आपको फ्री मिल रही है, ट्रेनिंग आपको फ्री मिल रही है दोस्तों। अब बात आती है गारंटी और वारंटी की, तो किस तरह से मैम आप अपनी मशीनों की गारंटी देते हैं और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं इन फ्यूचर में? 1 ईयर की वारंटी रहती है एंड 5 ईयर की सर्विस रहती है। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सर्विस आपको मिलने वाली, वारंटी आपको 1 ईयर की मिल रही है और सर्विस आपको 5 साल की मिल रही है दोस्तों। मशीन बहुत ही छोटी होने वाली है, जैसे कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या अलग से किराए का रूम लेना पड़ेगा, आपका जो घर होगा उसके छोटे से कमरे में भी ये मशीनें आने वाली है, इजिली से आप
मशीनें इसमें लगा सकते हैं और अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, अगर मैम कोई क्लाइंट अगर आपसे मशीन लेना चाहता है, हमारे जो व्यूअर्स है आपसे मशीन परचेज करना चाहता है या आपकी कंपनी में विजिट करना चाहता है तो वो किस तरह से आपसे संपर्क करें। हमारी कंपनी का एड्रेस है नागलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे आपको सोनिया हॉस्पिटल दिखेगा, सोनिया हॉस्पिटल के पास गुलशन पार्क नाम की गली जा रही है, वहाँ आप आएंगे तो आपको हमारी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, वहाँ आप आइए, लाइव मशीनें देखिए, डेमो देखना है डेमो देखिए, और अगर आपको पसंद आती है मशीनरी तो हैंड टू हैंड भी लेके जा सकते हैं, ये सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, इतना अच्छा आपने बिजनेस हमारे व्यूअर्स को दिया है, इतनी अच्छी मशीन के बारे में आपने जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पाउच पैकिंग की मशीन परचेज करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे नंबर दिया गया आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस में अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आने वाली है, बिजनेस आइडियाज आप तक आने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।